चलते हैं गुजरात की। प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह जो है प्रेस वार्ता कर रहे हैं, पर नेशनलाइज्ड बैंक का ये जुमला साबित हुआ। ये कहते हैं पेपर लीक हुआ। मैं आपको कुछ आंकड़े के साथ बात करना चाहता हूं। गुजरात से आता हूं, फख्र है कि जहां महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, आज कभी कभी शर्म भी होती है कि आज के प्रधानमंत्री जी की भी जन्मभूमि है। वहां पे सिर्फ चंद वक्त में ही 14 पेपर लीक हुए। 2016 में मुख्य सेवी का पेपर लीक, 2017 आप जिसे पटवारी कहते हो, तलाटी मंत्री हमारे वहां कहते हैं, उसका पेपर लीक हुआ। 2017 में टेक टीचर्स की एग्जाम होती है, उसका पेपर लीक हुआ। 2014 में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन चीफ ऑफिसर का पेपर लीक हुआ। 2015 में फिर से तलाटी मंत्री यानी पटवारी का पेपर लीक हुआ। 2016 में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर्स गांधीनगर, मोडासा, सुरेंद्रनगर में पेपर लीक हुआ। 2018 टाट का टीचर्स का पेपर लीक हुआ। 2018 में डेप्यूटी सेक्रेटरी का पेपर लीक हुआ। 2018 में लोक रक्षक दल LRD पुलिस में भर्ती होती है, उसका पेपर लीक हुआ। 2019 में बिन सचिवालय क्लर्क का पेपर लीक हुआ। 2021 में हेड क्लर्क का पेपर लीक हुआ। 2021 में DGBCL में विद्युत सहायक का पेपर लीक हुआ। 2022 में वन रक्षक का पेपर लीक हुआ और 2023 में जूनियर क्लर्क का पेपर लीक हुआ। ये भाजपा के गुजरात के अंदर हुआ, और जब ये हो रहा था तब एक एक्टिविस्ट चंपावत जी ने पूरी डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ सबूत रखे कि पेपर लीक एजुकेशन मिनिस्टर के वहां से हो जाते थे और उसके लाखों रुपए लिए जा रहे थे। मिनिस्टर का पर्सनल असिस्टेंट अरेस्ट भी हुआ। राजस्थान में तो ऐसा नहीं हुआ है पेपर लीक में कभी। राजस्थान सरकार एक पहली ऐसी सरकार निकली जिसने स्टैट्यूट बनाया, अलग कानून बनाया और कहा कि 10 करोड़ की पेनल्टी होगी और उम्र कैद की सजा होगी पेपर लीक में। वो कानून लाने वाली राजस्थान की सरकार थी। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि अपने गिरबान में देखो कि क्या स्थिति आपने बना के रखी है। अभी अभी आपके बॉर्डर पे पालनपुर है, बनासकांठा में, राजस्थान के लोग आप जानते हो, पालनपुर में पुराना नहीं नया ब्रिज टूटा, और ये जो ब्रिज टूटा वो ब्रिज एक ऐसी कंपनी ने बनाया जो कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी, घोटाला किया था, ब्लैकलिस्टेड थी। वो कंपनी थी GPC इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने 1,25,00,000 रुपया BJP को दिया, 00103 HDFC चेक, पालनपुर, डेट 4 मई 2019। ये ऑन रिकॉर्ड है। हिम्मत है तो BJP मेरे खिलाफ मानहानि का कहीं मुकदमा करना है देश में कहीं पर भी कर ले, पूरा प्रूफ है मेरे पास। 1,25,00,000 रुपया लेके ब्लैकलिस्ट कंपनी को आप ब्रिज का काम देते हो और वो कंपनी फिर ब्रिज बनाती है और टूटता है। दो दलित लोग, गरीब लोग की मृत्यु हुई, 14 लोग हताहत हुए। सिर्फ एक ब्रिज नहीं, मादापर चौकड़ी, भोपाल रिंग रोड, बोरसद चौकड़ी, नांदेलाव, ऊंझा हाईवे, सिंध रोड, शांतिपुरा, क्लाच ओवर, मेहसाना बाईपास, सरटोक गांव, पिपलो कवच, उदना दरवाजा, मजूर गेट, अटवा, सूरत, 13 ब्रिज नए बने हुए। भाजपा के शासन में भाई मुक्त भ्रष्टाचार होता है और ये कंपनियां
जिसने ये ब्रिज बनाए टूटे उसमें एक रंजीत बिल्डिकॉन लिमिटेड है, उसने 21 लाख का बीजेपी को फंड दिया देना बैंक से 981462 चेक नंबर से। इसी रंजीत बिल्डिकॉन ने 15 लाख का चेक दिया 981460 नंबर चेक से देना बैंक 2012-13। इसी रंजीत बिल्डिकॉन ने 15 लाख रुपए बीजेपी को 981466 देना बैंक का चेक 2012-13 में दिया। उसी तरह से 21-22 में 60 लाख रुपए का चेक दिया जिस कंपनी के खिलाफ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एफआईआर दर्ज करवाई थी कि डुप्लीकेट गलत बिल से ये कंपनी पैसे उठाती है। तो भाई मुक्त भ्रष्टाचार बीजेपी करती है, इसका मैंने आपको एक नमूना यहां पे दिया है। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए जो गारंटीज दी है हमारी सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी ने 7 गारंटी, ज्यादातर मैंने आज सबसे पूछता हूं मुंह जबानी लोगों को हो गई है। और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। सेंट्रल में हो या स्टेट में हो, आपको याद होगा सेंट्रल में हमने कहा था कि आदिवासी भाइयों का वन संपत्ति पे अधिकार हमने राइट ऑन फॉरेस्ट लैंड करके दिया। हमने कहा था कि मजदूरी करने का अधिकार मनरेगा हमने करके दिया। हमने कहा था कि इंफॉर्मेशन लेना आपका अधिकार है आरटीआई हमने करके दिया। शिक्षा अधिकार होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन हमने करके दिया। अब पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लो हमारा, फूड सिक्योरिटी बिल हम ला के दिए थे। और भाजपा में अमित शाह जी का खुद का एक इंटरव्यू आपके पास होगा, यूट्यूब में भी मिल जाएगा, उन्होंने कहा था कि चुनाव के वक्त जो कहते हैं वो करना थोड़ी होता है, वो तो जुमला होता है। तो एक और हकीकत है, एक और जुमला है। तो मैंने मेरी बात यहाँ पे रखी है, मेरे जो प्रत्याशियों ने नामांकन किए हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब प्रेस और मीडिया के साथ ही पधारे आपका धन्यवाद करता हूं। आपके कोई सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। ये सत्य सिंह जी, मेरा सवाल ये है कि आप गुजरात से हैं, अब गुजरात से शायद नरेंद्र मोदी ने आप पूरे भाजपा वहां तो सिंह सत्ता मुख्य कांग्रेस का नकारा दिया वहाँ, अभी तक आपने पूरा अपने में दिखा रहे हैं सत्ता से बहुत शुद्ध है कांग्रेस। तो आप जो राजधानी चुनाव के वक्त अपना अनुभव बता रहे हैं कांग्रेस में जो उत्साह बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस में कहाँ से उत्साह आएगा जबकि ऑलरेडी आपका काम गुजरात में। देखिए दो चीजें हैं, एक आप किसी की डिमांड को फुलफिल करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स, या दूसरा राजनीति होती है राम का मरे या रहीम का मरे, मेरी वोट बैंक भरे, जज्बात से खिलवाड़ करो। गुजरात में आपको नजदीक में, अब देख लीजिए गुजरात में कभी भी मोदी जी, मैं विरोधी दल का नेता रहा हूं उनके साथ, कभी भी डेवलपमेंट के नाम पे उन्होंने वोट नहीं मांगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो मियां मुशर्रफ आपका राजस्थान से लाए हुए सोहराबुद्दीन को मार दिया तो क्या गलत किया, उस वक्त वो ये भूल जाते हैं कि तुलसीराम प्रजापति राजस्थान का एक जेल में कैद में था, उसने खत लिख के दिया था कि गुजरात में नरेंद्र मोदी की पुलिस मुझे बुला के मार डालेगी, बचाओ, पर उसको नहीं बचाया गया और वहां लाके उसको मार दिया। उसमें तुलसी भी था, राम भी था, प्रजापति था, पर उसको याद नहीं किया। हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स वहां की, वरना यही मोदी जी थे गुजरात के सीएम बने, उसके बाद 3 बार इलेक्शन हुए, बड़ौदा में जसपाल सिंह जी थे बीजेपी के उन्होंने रिजाइन किया, महुआ में एक ट्राइबल एमएलए की डेथ हुई, और वजूभाई वाला ने राजकोट से मोदी जी के लिए सीट खाली की, तीनों बीजेपी की सीट थी, 2 हमने जीत ली थी, मोदी जी बहुत कम वोटों से जीते थे, पर फिर गोधरा किया या करवाया, राम के नाम पे वोट लेने के बाद राम सेवक को जलाया या जलने दिया, और फिर हिंदू मुसलमान करके वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के बावजूद आपने देखा होगा कि 2004 एंड 2009
ऑलमोस्ट हमने उनकी बराबरी में वोट पाए थे। सीटें भी 26 में से एक बार 14 एक बार 13 कांग्रेस पार्टी जीती। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहां कांग्रेस मर चुकी है, ये बात सही है। लास्ट रिजल्ट और वो भी वोट एंटी बीजेपी वोट का बंटवारा भी हुआ, कुछ हमारी भी गलतियां रही हो, पर ये जो सच्चाई है उससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। देखिए वो एक जननेता है और आज सब देश में भी कहता है कि अगर मुख्यमंत्री की बात आती है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इतना बढ़िया काम वो कर रहे हैं और वहां पे सारी भक्त चैनल भी ये कह रही है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है।